सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन एम फार्म प्लस एम बी ए डुअल डिग्री प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कंप्लीट किया है एंड आप अपने मास्टर्स कंप्लीट करना चाहते हो तो दिस कैन बी ए गुड ऑप्शन। जैसे हम लोग नॉर्मली एम फार्म करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स फार्मा एम बी ए करते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जनरल एम बी ए करते हैं, लेकिन ये जो कोर्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि ये 3 साल का एक कोर्स है, 3 ईयर्स प्रोग्राम। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स बी फार्म कंप्लीट किए हो एंड मैनेजमेंट के कोर्स करना चाहते हो एज वेल एज आप लोग एम फार्म भी करने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि एम फार्म का स्कोप आई थिंक इंडिया में अभी फिलहाल ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है, तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक अच्छा कोर्स हो सकता है। तो डेफिनेटली इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। ये जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है NMIMS से। NMIMS आप सभी को पता है, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड आई कैन से, एंड इवन द फॉर द फार्मेसी कोर्सेज ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट। बट मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको NMIMS ज्वाइन ही करना है तो आप मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी कोर्स चूज करो। इट्स बेटर टू चूज बी फार्म प्लस एम बी ए और एम फार्म प्लस एम बी ए कोर्सेज रादर देन ज्वाइनिंग सिंपल बी फार्म और एम फार्म। दिस कोर्सेज आर सो मच बेनिफिशियल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कोर्सेज नॉर्मली होता है 3 साल का, 3 ईयर्स प्रोग्राम। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास एम फार्म एंड एम बी ए दोनों डिग्री ही होगा, तो आपका बैचलर्स है एंड दो आपका डुअल मास्टर्स होगा यहाँ पे, तो जो कि एक अच्छी बात है। ऑब्वियसली कोर्स के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं एकेडमिक्स प्रोग्राम्स की तरफ, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में देखेंगे कौन कौन से कैंपसेस है, कैसे एडमिशन होता है, इन डिटेल बात करेंगे। एंड यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ मेंशन कर दूँ, NMIMS में सब कुछ अच्छा है बट थोड़ा सा फीस हाई है, तो फीस थोड़ा सा अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। तो फार्मेसी प्रोग्राम्स में चलते हैं PG के, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एम फार्म यहाँ पे है, स्पेशलाइजेशन है डिफरेंट्स। एम फार्म अलग अलग कैंपस में है, एक मुंबई में कैंपस है, एक सीरपुर में कैंपस है, और अभी तो एक हैदराबाद में कैंपस है, बहुत सारे कैंपस अभी हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 कैंपस है, मुंबई एंड सीरपुर। 3 ईयर्स प्रोग्राम है एम फार्म प्लस एम बी ए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता दूँ, एम फार्म प्लस एम बी ए, एम बी ए जो होगा है फार्माटेक एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। लाइक एम बी ए बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे होते हैं, HR में होते हैं एम फार्म, एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में होते हैं, है ना, बिजनेस मैनेजमेंट में, तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स उसके अंडर होते हैं एम बी ए के अंडर। इसी टाइप का ये वाला जो एम बी ए होगा, एम बी ए होगा आपका फार्माटेक एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में मिलेंगे, फार्मासी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, या फिर फार्मा इंडस्ट्री के अंडर जैसे मैनेजमेंट होता है वो सीखने के लिए मिलेगा, एज वेल एज हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मतलब हेल्थ केयर इंडस्ट्री में पूरा ओवरऑल जो मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एम फार्म का स्पेशलाइजेशन आपको एक चूज़ करना होगा पर्टिकुलरली, ये एम बी ए का स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी चूज्ड है, बट एम फार्म के आपको स्पेशलाइज चूज़ करना होगा। जहाँ पे आपको मुंबई के कैंपस ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सब्जेक्ट्स वेरिएशन मिलेंगे, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी अश्योरेंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फार्मा टेक्नोलॉजी। कोलॉजी वगैरह में ये सब इंटीग्रेटेड नहीं होते, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, तो मैक्सिमम आपको लाइक दोनों सेम ही टाइप का कोर्स करना है। ये भी आपका फार्मा टेक में है, और ये सब भी लाइक आपका मैक्सिमम जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड है। और एक का सीरपुर का कैंपस, जहाँ पे आपको QA और सीवटिक्स में मिलेंगे एम फार्म का ऑप्शन, बाकी सिमिलर है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे इनके लिए, तो यहाँ पे हम लोग एडमिशन पे जाएंगे और एडमिशन का डिटेल्स देखेंगे। तो एडमिशन थोड़ा सा देख लेते हैं, स्कॉलरशिप, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ देख लेंगे, बट सबसे पहले आप लोग मुंबई कैंपस में चलते हैं। आप लोग अगर चाहो तो जो लाइक अनदर जो सीरपुर वाला कैंपस है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग स्कूल ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी सीरपुर, यहाँ पे भी ए अवेलेबल है, लेकिन हैदराबाद वाले कैंपस में एम फार्म जो मास्टर्स से अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बैचलर्स आपको मिलेंगे। और ये है हमारा मुंबई वाला कैंपस, यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग एम फार्म प्लस एम फार्म और एम फार्म प्लस एम बी ए। आप यहाँ पे सर्च करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का मुंबई का जो कैंपस है, जो NMIMS मुंबई जो सबसे टॉप लाइक इंस्टीट्यूट है, मतलब फेमस सबसे ज़्यादा है, वो यहाँ पे आ गया। हम इसका नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एडमिशन एट SPP SPDM। यहाँ पे लाइक बैच, लास्ट ईयर बैच क्या है यहाँ पे बात करते हैं, तो इंस्ट्रक्शन सीट को थोड़ा सा डाउनलोड करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन सीट एम फार्म और एम फार्म प्लस एम बी ए दोनों के लिए ही वैलिड है एक्चुअली में। ओके, यहाँ पे वो देख सकते हो दोनों कैंपस में है लास्ट बैच का। ओके, फुल टाइम एम फार्म है 2 ईयर्स का, एंड ये है 3 ईयर्स का प्रोग्राम। सब्जेक्ट वेरिएशन आप लोग देख सकते हो, सीट्स देख सकते हो, 15 करके सीट है हर जगह पे। ओके, राइट,
और एक एम फार्मी रेगुलेटरी अफेयर्स एक होते हैं ओके। अब यहाँ पे अदर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग अदर डिटेल्स देख सकते हो। तो क्वालिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। बेसिक क्वालिफिकेशन आप एम फार्म हो या फिर एम बी ए हो, इन सब के लिए चाहिए आपका बी फार्मा जैसे सिंपल होते हैं पीसीए इंस्टीट्यूट से, एंड 55% मार्क्स आपका ओवरऑल होना चाहिए। एंड ये सारे प्रोग्राम्स जो है फुल टाइम प्रोग्राम्स है। ऑल आर प्रिवेलिंग रूल्स, अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एम फार्म प्लस एम बी ए प्रोग्राम। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स वुड बी प्रेफर्ड provided they fulfill the requirements under the point 4.1 and 4.2 including the NOC from the employer, no objection certificate. Candidates who are appearing BPharm examination form in a recognized university where grade point average is given must produce the university from the percentage mein hai to usko GPA CGPA mein convert karna hoga. Final year students also eligible is course ko liye. Yahan pe other details ki baat karu to ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन शुड हैव बीन कॉन्डक्टेड बिफोर द कोर्स कमेंसमेंट, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले आपका सब कुछ बी फार्म कम्प्लीट होना चाहिए, ठीक है राइट। एडमिशन का प्रोसेस की बात करते हैं तो एडमिशन एम फार्म और एम फार्म प्लस एम बी इज थ्रू द NMIMS पर्सनल इंटरव्यू और PI राउंड, ठीक है, प्योरली मेरिट बेस्ड और कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन पर्सनल इंटरव्यू। बट अगर आपका बी फार्म का स्कोर अच्छा है, अगर आपने GPAT क्वालिफाई किया है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे, ओके। पर्सनल इंटरव्यू कहाँ पे होता है, मुंबई कैंपस में होता है। वेन्यू विल बी कम्युनिकेटेड बाय कॉल लेटर। आपको अप्लाई करना होगा, सिंपल प्रोसेस है, NMIMS.edu से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि इसका फीस है 2500 प्लस GST, दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल। उसके बाद कैंडिडेट्स हुआ सक्सेसफुली registered will be called for interview, personal interview on the basis of the indication information application form and the call letter of personal interview will be communicated the candidate's important dates. Candidate has to check his or her dashboard, okay. कॉल लेटर डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, उसके बाद आप लोग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, GPAT क्वालिफाइड, फाइनल ईयर के सारे कुछ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ग्रेजुएशन एंड अदर्स, 10th, 12th एंड जो फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स है, कुछ ID प्रूफ्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एडमिशन टेस्ट की बात करें तो PI जो होगा इसके लिए 10 to 12 minutes होगा। क्या देखा जाएगा, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, प्रिजर्वेंस देखा जाएगा, कमिटमेंट टू द कोर्स, कोर्स के बारे में कितना जानते हो, प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एंड अचीवमेंट एंड करियर ऑप्शन, ओके। GPAT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी गिवन वेटेज ऑफ 10 marks स्पेशली। तो GPAT जैसे ही मैंने कहा, GPAT जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर द लास्ट 3 years, ओके राइट। सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द प्रोग्राम्स ऑन पर्सनल इंटरव्यू स्कोर्स प्लस एन एडिशनल वेटेज ऑफ GPAT फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एज पर टाई ब्रेकर, ओके राइट। फर्स्ट एम फार्म प्लस एम बी ए कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द एडमिशन काउंसिलिंग एज पर मेरिट लिस्ट। उसके बाद वैकेंसी अगर होते हैं तो वहाँ पे बुलाया जाएगा वो जो रेगुलेटरी अफेयर्स वाला है, ओके राइट। 15 करके सीट्स है जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स तो यहाँ पे सिमिलरी डेट पे होगा और कुछ नहीं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रिफंड रूल, रिफंड पॉलिसी आप लोग देख सकते हो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, तो ये तो एवरी ईयर कुछ न्यू होते हैं, तो ये सारे डिटेल्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो अप्लाई अगर करना है आपको फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट्स जो 2024 में अभी फिलहाल 4th year में हो, जिनका अभी कंप्लीट होगा इस सितंबर अक्टूबर या फिर अभी कंप्लीट जस्ट हुए हैं, एंड इस 2024 में GPAT दोगे या फिर मास्टर्स में एडमिशन लोगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वो कोर्स चूज़ करते रहते हैं, समझ नहीं आता उनको कहाँ से करें, या फिर ऐसे कुछ कोर्स है भी नहीं इंडिया में या फिर बाहर, तो ढूंढते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो अभी बना दिया, क्योंकि एडमिशन जब होगा तब देखा जाएगा, बट बिफोर दैट यू शुड नो अबाउट ऑल द थिंग्स दैट एक्चुअली डिफरेंट कोर्सेज आर एक्चुअली इन इंडिया, सो यू शुड मस्ट नो अबाउट द कोर्सेज, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट कोर्सेस है जो थोड़ा सा एम फार्म और सिंपल बी फार्म या फिर MBA से अलग है, ठीक है ओके। थैंक यू सो मच। एंड मैंने रिसेंटली एक फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। अगर आप फॉरेन में अपना मास्टर्स करना चाहते हो तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, एक ही वीडियो अब तक अपलोड हुआ है, आगे और होगा। थोड़ा सा वीडियो देख के कमेंट कर देना, जितना मुझे कमेंट मिलेगा उतना जल्दी मैं और वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच।